नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। इस वक्त आप देख रहे हैं द फ्रीडम पर भगत सिंह की खास श्रृंखला, भगत सिंह की 51 कहानियां अनकही अनसुनी। आज की कहानी है हम लोग जो बहुत ही चर्चित भगत सिंह के जीवन में रहा और भगत सिंह काफी मशहूर हुए, भगत सिंह की इच्छा थी कि ऐसा हो, वह असेंबली बम विस्फोट को लेकर के। असेंबली में बम विस्फोट करने से पहले कई दिन पहले वहां भगत सिंह और पटुकेश्वर दत्त पहुंच गए थे। वो रहते कहां थे? दिल्ली में। वो जगह आज भी हैं। जब असेंबली बम कांड का सब कुछ पूरी योजना बन गई तो चंद्रशेखर आजाद दल के सेनापति कमांडर इन चीफ ने जयदेव कपूर को यह आदेश दिया कि वहां जाकर के दिल्ली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के रहने की आप व्यवस्था कीजिए। अब वो व्यवस्था करना था दिल्ली में ताकि वहां से असेंबली में आने जाने में भी आसानी और किसी की नजर में ये लोग पहले ही ना आ जाएं। तो सीताराम बाजार में एक जगह किराए पर वो जगह ली गई। मकान मालिक का नाम था राम शरण दास और उससे किराए पर किसी आदमी ने लिया हुआ था वो जगह, काफी वहां की ली हुई थी, और उसमें से उप किराए पर, मतलब किराएदार से भी किराए पर हमने ले लिया। चोगा सिंह नाम का वो आदमी था जिसने किराए पर ले रखा था राम शरण दास के पास से, और फिर चोगा दास से ले लिया इन लोगों ने। वो चबूतरा टाइप का एक जगह थी, उसको इन लोगों ने लिया था 5 रुपया प्रतिमाह किराया, जैसा कि बाद में बयानों में ये सारे बाद में इस केस में गवाह बने हैं। राम शरण दास गवाह नंबर 172 लाहौर षड्यंत्र केस में, और फिर उसी में उसी मकान में जहां ये रहते थे युगल किशोर नाम का एक आदमी रहता था जो किराएदार था उसी मकान में, वो गवाह नंबर 173 बना था। इन लोगों ने पुष्टि की थी, बयान में कहा था कि ये लोग रहते थे और चबूतरे को लेकर के थोड़ा सा विवाद हो गया था तो ये बाबू लोग यहां से चले गए थे दूसरी जगह, क्योंकि वो वहां का माहौल इन्हें रास नहीं आया और प्रायः विवाद हो जाता था, तो इन्हें लगा कि शायद हम पहले ही लोगों की नजर में आ जाएंगे, हमें चूंकि एक्शन करना है, मुख्य ध्यान वहां पर टिकाना है। तो फिर नई सड़क पर ये लोग दूसरा मकान लेते हैं श्रीमती मुकुंदी के यहां, वहां 15 रुपए प्रतिमाह किराए पर ये लोग मकान लेते हैं, रहते हैं। तो इस तरह से सीताराम बाजार से ये लोग चले आते हैं फिर नई सड़क पर इस मकान में। यहाँ की मकान मालकिन थी श्रीमती मुकुंदी, ये लाहौर षड्यंत्र केस में गवाह नंबर 169 फिर बनी। इन्होंने अपना बयान दिया कि हाँ ये लोग आए थे, मेरे यहाँ रहे थे। उस समय एक प्रचलन था, आज भी आमतौर पर वो रहता है, कि कुंवारे लोगों को मकान मिलने में बहुत मुश्किल होती है। लोग कहते हैं कि ना शादीशुदा फैमिली वाला है तो भी बार बोर्ड लगाया रहता है कि ओनली फॉर फैमिली, आज भी जिस तरह से लगा रहता है। भले ही चूंकि लॉज में अधिक पैसा होता है तो अब धीरे धीरे लॉज का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन आमतौर पर अगर घर किराए पर लगाना है तो पहले फैमिली वाला लगाएगा। तो वहां पर भी मुकुंदी, श्रीमती मुकुंदी, मिसेज मुकुंदी पूछती हैं कि कौन कौन है, तो जयदेव कपूर बता देते हैं भगत सिंह के बारे में कि ये मेरा बड़ा भाई है, अभी नए नए इसकी शादी हुई है तो ये मकान गान लेने आया है, यहाँ देख लेगा, रहने लगेगा, तो फिर भाभी को लेकर के यहाँ आएगा, क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि ऐसे वो मकान मिलता नहीं। तो ये मुकुंदी, श्रीमती मुकुंदी के यहाँ ये लोग रहने लगते हैं। और श्रीमती मुकुंदी के यहाँ ही एक दूसरा किराएदार भी रहता था बनवारी लाल, वो गवाह नंबर 170 बना लाहौर षड्यंत्र केस में, और उसने भी पुष्टि की कि हाँ ये लोग वहां रहे थे। इसके अलावा एक हरनाम सिंह जो गवाह नंबर 171 बना, वो उसने भी बताया कि हाँ ये यहाँ पर, वो हरनाम सिंह पड़ोस में ही अगल बगल वहीं पर रहता था, उसने भी इसकी पुष्टि की कि हाँ ये लोग भगत सिंह वगैरह यहाँ रहते थे। जब वहां सीताराम बाजार में रह रहे थे उस मकान में जिसको चोगा सिंह से इन लोगों ने लिया था, तो उसमें रामशरण दास मूल मकान मालिक था, रामशरण दास का एक और पड़ोसी भी था नूर मोहम्मद, वो गवाह नंबर 174 बना था नूर मोहम्मद, और उसने भी पुष्टि की थी कि हाँ वहां पर इन लोगों को हमने देखा था, ये लोग किराया पर रहने आए थे, किराया पर रहे। हालांकि ऐसा भी जिक्र आता है कुछ और जो क्रांतिकारियों ने किताबें लिखी हैं कि वो जो सीताराम बाजार में जो मकान लिया गया था उसका किराया 5 रुपया नहीं 10 रुपये उसका किराया था। तो वहां पर रह करके भगत सिंह पहले वहां रहे, बाद में असेंबली में बम विस्फोट करने से पहले।
तो ये आप खास श्रृंखला में ये कहानी जान रहे थे भगत सिंह के बारे में, वो श्रृंखला जिसका नाम है भगत सिंह की 51 कहानियां अनकही अनसुनी। अगर आपको ये किस्से पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। और जो सचमुच भगत सिंह के अगर आप फैन हैं, दिल से भगत सिंह को मानते हैं, तो इन कहानियों को तमाम लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, हमारा पेज है द फ्रीडम न्यूज। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है द फ्रीडम .news, वहां उसके सहारे भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।